हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्यारे प्रदेशवासियों, हर रोज की तरह आज भी मैं एक बार फिर से आपके साथ कोरोना वायरस के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है उसके बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश, और वो भी विशेष तौर से कोरोना वायरस के ऊपर देश के सम्मुख था। उन्होंने सारी अपनी भावनाएं जिस रूप में व्यक्त की हैं, मुझे लगता है कि उन भावनाओं का हमको सम्मान करना चाहिए। उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी, आपको परेशानी है, आप असुविधा में हैं, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन हमारे पास रास्ता कोई दूसरा नहीं है। इस बीमारी से बचने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि हम संयम करें, सब्र करें, घर में रहें, और उसके साथ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से उसका पालन करें। पूरे देश भर से कोरोना वायरस के संदर्भ में जो जानकारियां आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। ऐसी परिस्थिति में हमको भी और सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है, और जिस दौर में अभी हम गुजर रहे हैं वो और भी ज़्यादा सावधानियों का है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों का आग्रह आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आग्रह इस बात के लिए आ रहा है कि हम अपने घर आना चाहते हैं, हमें आने दीजिए। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आपका घर में स्वागत है, लेकिन अगर आप घर में आएंगे, अगर संक्रमण आपके परिवार को लगेगा तो पीड़ा में भी आप ही होंगे। आपके पड़ोस में आने वाला व्यक्ति अगर घर में आकर के संक्रमण फैलाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी, आपके परिवार को भी बचाना उसमें कठिन हो सकता है। हम इस बात से सहमत हैं कि आपके परिवार के लोग भी बहुत चिंतित हैं, आप उनके साथ संपर्क में रहें। इस टेक्नोलॉजी के युग में आप हर बात को बहुत आसानी से अपने परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि घर आने की फिलहाल जिद मत करिए, जहां हैं वहीं रहें, जो मदद आपकी वहां की जा सकती है हम करने के लिए तैयार हैं। आप चंडीगढ़ हैं चाहे दिल्ली हैं, जहां भी आपको लगता है कि आपको परेशानी है, और ऐसी परिस्थिति में दोनों जगह हमने हिमाचल भवन चंडीगढ़ और दिल्ली को कंट्रोल रूम बनाया है, वहां अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, आप अपनी बात वहां पर पहुंचा सकते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। एक बार फिर से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जहां हैं आप वहीं रहें, परिवार के लोगों के साथ आप लगातार संपर्क में रहें। आपको कोई बात लगती है हमसे भी साझी कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने परिवार को, परिवार के साथ समाज को इस वक्त बहुत बड़े सहयोग की आपकी आवश्यकता है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया कि आप स्वयं के साथ अपने स्थान पर ही बने रहें, और हम सब लोगों की यही इच्छा है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और उसके लिए ये योगदान आपकी ओर से बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने स्थान पर ही बने रहें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।